नया भारत विज्ञान जगत में भी हर दिन नए कीर्तिमान रचने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा चंद्रयान मिशन के विषय में दी गई जानकारी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने आवश्यक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 12 से 19 जुलाई के बीच की जाएगी। हम जल्द से जल्द किसी संभावित तिथि पर विचार कर रहे हैं। ये 12, 13, 14 या 19 जुलाई कोई भी तिथि हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब सारे परीक्षण पूरे हो जाएंगे तब प्रक्षेपण की अंतिम तिथि की घोषणा की जाएगी। यदि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल रहती है तो भारत ऐसा करने वाला 4th देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। दरअसल चंद्रयान मिशन के तहत इसरो चांद की स्टडी करना चाहता है। भारत ने पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सफल लॉन्चिंग की थी। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में भारत को असफलता मिली थी। चंद्रयान 2 का लैंडर पृथ्वी की सतह से झटके के साथ टकराया था, जिसके बाद पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष से उसका संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिथम को बेहतर किया गया है और जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरने में असफल हुआ उन पर फोकस किया गया है। चंद्रयान 3 मिशन के चंद्रमा के उस हिस्से तक लॉन्च होने की उम्मीद है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है। इसमें एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल होगा जो चंद्रमा की सतह पर घूमने की क्षमता से लैस होगा। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है।